नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना यानी विज्ञान का पोर्शन है दोस्तों। तो विज्ञान संबंधित ये प्रश्न लेके आया हूँ और मैंने प्रयास किया हुआ कि वो सारे प्रश्न एक जगह संकलित करने का मैं प्रयास कर दूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जब आप किसी भी एग्जाम में जीएस की तैयारी करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाँ दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल ओनली प्रैक्टिस सेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सार्थक क्लासेस में सिर्फ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और इससे संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या दूसरे भी जो एग्जाम है उनके प्रैक्टिस सेट, मैं आपको ओनली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है दोस्तों वह यह है कि समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है और आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, तो इन दोनों घटनाओं के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना जिम्मेदार है? तो दोस्तों यह है नीले रंग का परावर्तन और अन्य रंगों का अपवर्तन। क्वेश्चन दो प्रकार से दोस्तों बन जाता है, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट रख दिए कि आप कभी कन्फ्यूज ना हो। तो समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ेगा या आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ रहा है, तो उसका कारण यह है दोस्तों कि या तो आप आंसर यह कह लें कि नीला रंग छोड़ के अन्य रंगों का अपवर्तन हो जाता है या नीले रंग का परावर्तन हो जाता है। पॉइंट नंबर दो, तारों का टिमटिमाना। तो दोस्तों जो तारे टिमटिमाते हैं उसका जो कारण होता है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए दोस्तों, परावर्तन अपवर्तन जो जितनी भी प्रकाशीय घटनाएं हैं उनको मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो भी आप देख लीजिए। पानी और वायु के लिए जो ये मान होता है क्रांतिक कोण का यानी क्रिटिकल एंगल का, वो 42 डिग्री होता है, जबकि पानी और वायु के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 24 डिग्री। रेगिस्तान की मरीचिका का जो कारण है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। मरीचिका दोस्तों वैसे तो आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते तो वो जान ले दोस्तों। ये एक मरीचिका में हमें एक तरह का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि आगे दूर कहीं पानी है जब रेगिस्तान में चलते हैं, और उस दौरान जो है जो यात्री होते हैं रेगिस्तान में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आगे पानी है लेकिन वहाँ पर वास्तव में पानी नहीं होता है। इसका एक दूसरा उदाहरण जो आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों पर जब आप रोड पर ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि काफ़ी दूर जो है रोड पर पानी भरा हुआ है। गाँव की भाषा में दोस्तों अक्सर उसको हम लोग कहते थे कि बिल्लियाँ लड़ रही हैं, तो हो सकता है आप लोग भी दूसरे नाम से कहते हो, तो इसी को मरीचिका बोलते हैं। मरीचिका यानी आगे पानी का भ्रम होना जबकि वास्तव में वहाँ पर पानी ना होना। तो रेगिस्तान की मरीचिका का कारण है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात भी कुछ समय के लिए सूर्य का क्षितिज के ऊपर दिखाई देना, यानी सूर्य अस्त हो जाता है फिर भी हमें लगता है कि अभी सूर्य है, तो उसका कारण है दोस्तों परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश डालने पर स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ता है, तो स्पेक्ट्रम जो दोस्तों दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष का बनना, दोस्तों इंद्रधनुष के बनने में कई सारी प्रकाशीय घटनाएं एक साथ रोल प्ले करती हैं, तो वो कौन कौन सी? एक तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन होता है, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तीनों घटनाएं मिलके जो है इंद्रधनुष को बनाती हैं। तो इंद्रधनुष बनने के लिए दोस्तों ये तीनों ही घटनाएँ जो है समान रूप से जिम्मेदार हैं। हीरे की चमक का कारण दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं फिर बताए दे रहा हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं दोस्तों? तो प्राथमिक रंग के प्रकाश जो होते हैं वो लाल, हरा, नीला होते हैं। कलर टेलीविजन में जो प्रयुक्त रंग होते हैं उनमें प्राथमिक रंगों का ही उपयोग किया जाता है, यानी लाल, हरा और नीले रंग के प्रकाश का। सूर्यास्त से पूर्व सूर्य का गहरा नारंगी लाल दिखाई पड़ना, तो ये भी कारण है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। देखिए दोस्तों, जो लाइट एनर्जी और डिस्क्रीट होती है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के रूप में चलती है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें फोटोन कहते हैं। आप जब फोटो इलेक्ट्रिक की घटना के विषय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। और इसका एक उदाहरण अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, सबसे अच्छा उदाहरण होता है दोस्तों जो सौर पैनल जो आजकल लगे हुए होते हैं, जिनके माध्यम से हम जो है बैटरी चार्ज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोर कर लेते हैं, तो उसमें जो है उसके लिए ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैकेट, जो सूर्य के पैकेट हैं, जो सूर्य की एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट हैं। तो आगे बात करेंगे अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त डिवाइस, तो ये दोस्तों पोलेराइड होती है। और अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश मैं पिछले पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया हुआ था कि अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जो आंखों पर चमक डालता है, चकाचौंध उत्पन्न करता है। जैसे आप रात को ये ड्राइविंग कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि सामने जो गाड़ी आती है उसकी लाइट हमारी आंखों में बहुत
चकाचौंध जैसा उत्पन्न कर देती है और हमें सामने का सही से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो और ध्रुवित प्रकाश दोस्तों वह होता है जो आंखों पे चमक नहीं डालता है। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं पोलेराइट। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है जिससे आपतित प्रकाश विभिन्न रंगों में अलग अलग पथ से निकलकर स्पेक्ट्रम बनाता है। ये स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि प्रिज्म में जब हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो दूसरी तरफ जो है 7 कलर के रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, यही आपका स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन इसका कारण क्या है? तो ये देखिए, इसमें कई कारण हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि आपके एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो। पहला कारण क्या है दोस्तों? अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में समान होती है और यह होती है दोस्तों 3×10^8 m/s। परंतु माध्यम जब बदलता है, यानी अगर हम अन्य कोई माध्यम की बात करें, कांच की, जल की, तो प्रकाश के रंग की जो अलग अलग रंग होते हैं प्रकाश के, उनकी चाल भी अलग अलग हो जाती है। इसी कारण चाहे वर्ण विक्षेपण की घटना जो वर्ण विक्षेपण की घटना होती वो होती, चाहे प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बन रहा हो या इंद्रधनुष से बन रहा हो। दूसरा कारण है दोस्तों, आप ये भी देख लीजिए, जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसकी अन्य माध्यम में चाल भिन्न भिन्न होगी, अर्थात वह प्रकाश माध्यम से पहले निकलेगा या बाद में निकलेगा। तो चाल में डिफरेंस होने के कारण एक कलर का प्रकाश जो पहले निकल रहा है वो अलग हो जाता है, जो बाद में निकल रहा है वो अलग हो जाता है। इस तरीके से जब व्हाइट प्रकाश हम प्रिज्म में डालते हैं तो अपने स्पेक्ट्रम के रूप में बाहर निकलता है। यही कारण है कि प्रिज्म से निकलने वाला जो प्रकाश है वो विग्योर क्रम से निकलकर स्पेक्ट्रम बनाता है। विग्योर क्रम जो है कलर का दोस्तों, जो कलर का क्रम है वो यहाँ पर दिया हुआ है और ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अलग अलग पदार्थों का भिन्न भिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। अपवर्तनांक अधिक होने पर उस रंग के प्रकाश की चाल कम हो जाती है। अपवर्तनांक दोस्तों एक क्वालिटी है जो अलग अलग मीडियम में सबके लिए अलग अलग होती है, कांच के लिए अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। तो यह भी रोल प्ले करता है स्पेक्ट्रम बनने में। अब दोस्तों हम बात करेंगे दर्पण एवं लेंस की, यानी मिरर एवं लेंस। तो सबसे पहले दर्पण पर एक नज़र डाल लेते हैं। दर्पण क्या है दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन पर आधारित एक प्रकाशीय युक्ति है। दर्पण का एक सिंपल उदाहरण है दोस्तों, जो हमारे घर में कांच होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो दर्पण दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, दूसरा होता है अवतल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, और तीसरा होता है अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। दोस्तों अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो वैसे तो अधिकांश लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, ये हमारा एक स्फेरिकल कांच हमने ले लिया। अब यदि हमें ये पहचानना है कि अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो स्पेलिंग होती है, ध्यान से आप यहाँ देखिए, कान क्यों, तो ये क्यों, क्यों मीन्स दोस्तों क्या होता है? गुफा होता है। यानी इस गुफा के अंदर यदि लाइट जाए या गुफा के दूसरी तरफ ये जो लाइन खींच रहा हूँ ये पॉलिश होती है, आपने देखा होगा दर्पण के दूसरी तरफ पॉलिश होती है। तो कॉनकेव मिरर वह मिरर होता है जिधर जो है गुफा जो बन रही है, ये अंदर का जो पार्ट है वहाँ पर चमक होती है, उसमें से अगर कुछ दिखाई देता है तो वो आपका अवतल दर्पण होता है। इसके अतिरिक्त उत्तल दर्पण इसके अपोजिट होता है दोस्तों, इसमें क्या है, उभरे हुए पोर्शन पर जो है हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि जो पॉलिश है वो हमेशा जो है आपके राइट साइड में की जाएगा और जो लाइट रे होगी वो हमेशा आपके लेफ्ट से आएगी। अन्य प्रकार का भी दोस्तों एक मिरर होता है, उसको बोलते हैं परवलयी दर्पण, परवलयी मिरर या पैराबोलिक मिरर, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या क्या हैं, देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इसमें आगे पढ़ने से पहले एक टर्म यूज होने वाला है तो उसको समझ लीजिए, पार्श्व उत्क्रमण यानी लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या है? तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब है उल्टा, लेकिन ये उल्टा कैसे? दाहिने का आपका बाएं पोर्शन बनेगा और बाएं का दाहिने। आप एक एग्जांपल समझिए, जब भी आप अपना चेहरा किसी दर्पण में या शीशे में दिखते हैं तो आपका जो बायां हाथ होता है वो दर्पण के अंदर आपको दाहिनी साइड में दिखाई देता है और जो दाहिना है वो बाएं की ओर दिखाई देता है। तो इसी को हम बताते कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। सिंपल इन्वर्जन का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल उल्टा हो जाना, यानी आप पैर के बल खड़े हैं तो आप वहाँ पर सिर के बल दिखाई दे जाएँ, तो उसको हम उल्टा सिंपल बोलते हैं। लेकिन अगर आपका प्रतिबिंब सीधा सीधा बन रहा है लेकिन दाहिना पोर्शन बाएं हिस्से में दिख रहा है और बायां पोर्शन दाहिने हिस्से में, तो उसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, यानी पार्श्व उत्क्रमण। तो जो दोस्तों समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा पार्श्व उत्क्रमणिक प्रतिबिंब बनता है।
दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है सामने, उसका प्रतिबिंब उतने ही पीछे बनेगा। तो इस तरीके से यदि हम प्रतिबिंब और दर्पण, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी करें तो वो डबल हो जाती है। इसको क्लियर भी यहाँ किया हुआ है, दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी जो दोस्तों होती है वो होती है 2 × वस्तु की दर्पण से दूरी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से 2 गुनी हो जाती है, यानी दर्पण के सामने से यदि कोई वस्तु दर्पण से दूर जा रहा है चलता हुआ, तो उसका प्रतिबिंब जो है डबल स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखेगा। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, यानी ये सिंपल वर्ड में अगर हम समझें कि मान लीजिए हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, यानी सिर से लेकर पैर तक, तो जो हमें दर्पण यूज करना पड़ेगा उसकी ऊंचाई हमारी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन बनता है अक्सर पूछा जाता है, किसी कोण पर दो झुके हुए दर्पणों के मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, ये दोस्तों होती है 360 डिग्री ओवर थीटा माइनस वन। इसका तात्पर्य क्या है, मान लीजिए दोस्तों आप स्क्रीन पे अपने देखिएगा, मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, एक दर्पण ये आपका ए है और दूसरा दर्पण ये बी है और इसके बीच में कोई वस्तु रखी है, तो कुल मिला के इसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों दर्पण आपस में कितने डिग्री पर झुके हुए हैं। सपोज दैट ये दोनों दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 60 डिग्री है इसको 360 से डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों आप सिंपल अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए 60 से 360 को आपने डिवाइड कर दिया तो ये आएगा आपका 6 6 6 36, और ये जो नंबर आया इसमें सिर्फ आप एक माइनस कर दीजिए, यानी 6 - 1 कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5। यानी यदि दो दर्पण 60 डिग्री पर झुके हुए हैं तो उनके प्रतिबिंबों की कुल संख्या जो बनेगी वो बनेगी आपकी 5। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता का तात्पर्य दोस्तों कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं किसी दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ और उसके पीछे जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई और अपनी लंबाई दोनों मैं निकाल लेता हूँ और दोनों को जो है मैं डिवाइड कर देता हूँ। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं 2 मीटर, या मेरी लंबाई थोड़ी देर के लिए 2 मीटर है, समतल दर्पण के पीछे मैं खड़ा होऊंगा तो प्रतिबिंब की लंबाई भी बराबर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है, तो 2 मीटर होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसी तरीके दोस्तों ये समतल दर्पण में तो इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यदि किसी अन्य दर्पण यानी अवतल या उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है। मान लीजिए किसी दर्पण के सामने खड़े होने पर वहाँ पर प्रतिबिंब 2 मीटर का बन रहा है जबकि वस्तु की लंबाई 4 मीटर है, तो इसके लिए जो आवर्धन क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। तो याद रखिएगा दोस्तों आवर्धन क्षमता कुछ नहीं, प्रतिबिंब की कितनी लंबाई है उसको वस्तु की लंबाई से डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण के जो मुख्य तत्व हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि उत्तल दर्पण से सदैव आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए, जहाँ पर भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होगा और जहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक होगा। तो आप याद रखिए, जब भी आभासी बनेगा तो वस्तु कैसी होगी, सीधा प्रतिबिंब होगा, और ठीक है, तो उत्तल दर्पण में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि यहाँ पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनना है तो इस दर्पण का हम वहीं पर उपयोग करेंगे जहाँ पर हमें जो चीज़ें छोटे रूप में दिखनी हो, तो इसका उपयोग करेंगे दोस्तों गाड़ियों के पीछे देखने के लिए जो दर्पण यूज होता है जिसको रिवर भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत दूर की और बहुत बड़े क्षेत्र की जो चीज़ें होती हैं वो छोटी सी जगह में हमको साफ साफ दिखाई पड़ जाती हैं। और इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे जो परावर्तक लैंप होते हैं दोस्तों, उसमें भी जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अब बात करेंगे दोस्तों अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के जो मुख्य तत्व हैं उनके विषय में। सूर्य से आने वाला प्रकाश, जो दोस्तों सूर्य से प्रकाश आता है बहुत दूर से आता है और हम ऐसा मानते हैं कि ये समानांतर किरणें हैं। समानांतर किरणें ऐसी किरणें होती हैं जिनको आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कट ना करें, यानी पैरेलल रेज। तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को फोकस कर देता है एक बिंदु पर। आपने बचपन में देखा होगा कि कभी हमारे यहाँ हम लोग जो हमारे घर के वृद्ध लोग होते थे वो चश्मा जो यूज़ करते थे तो उनके चश्मे का लेंस काफ़ी मोटा होता था, या जो रेक्टिफायर लेंस होता है आप लोगों ने सुना होगा उसको भी हम यूज़ करते थे, उसको करके हम एक जगह धूप के आगे रखते थे तो कागज़ जल जाता था, तो उसमें क्या होता था पूरा प्रकाश एक जगह जो आके इकट्ठा हो जाता था।
तो वो तो लेंस की बात हुई, सिंपली हम यहाँ पर दर्पण की बात कर रहे हैं। तो दर्पण में क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण सूर्य से आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, यानी एक जीव बिंदु पर जब सारा प्रकाश आ जाएगा दोस्तों उसकी हीट बढ़ जाएगी। तो अब इसका उपयोग क्या हो सकता है हमारे दैनिक जीवन में, तो हम ये देख लेते हैं। इसके कारण इसका उपयोग दोस्तों सोलर कुकर में किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एक जगह कलेक्ट कर की जा सके, लाइट एनर्जी कलेक्ट किया जा सके और उसका उपयोग हम खाना पकाने में कर सकें। अन्य उपयोग है दोस्तों, परावर्तक दूरदर्शी में खगोलीय पिंडों के चित्र खींचने हेतु भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और वास्तविक दोनों बनते हैं, यानी उल्टे और सीधे दोनों बनते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो आपका अवतल दर्पण है इनका उपयोग जो डेंटिस्ट होते हैं, नाई की जो दुकानें होती हैं और ब्यूटी पार्लर, जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वहाँ पर भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमने और बात की थी परवलिक दर्पण की, यानी पैराबोलिक मिरर की। तो उनका उपयोग दोस्तों कहाँ होता है? तो उनका उपयोग ऑटो वाहन जो होते हैं उनके हेडलैम्प और जो सर्च लाइट होती है उनके बल्ब में किया जाता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। आई होप कि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत तेज़ी से दोस्तों जो साइंस का पोर्शन है मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि GS के जो भी टॉपिक हैं उनको मैं मार्च से पहले पूरा करने का मेरा प्रयास है, जिससे कि आप आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। तो यदि अभी तक आपने दोस्तों पहली बार कोई इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ रहा है, तो मैं उससे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो है आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को, सार्थक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिए, और साथ ही साथ ओनली प्रैक्टिस सेट चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यदि आप केवल ओनली प्रैक्टिस सेट डालेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। तो यूट्यूब में यदि आप सर्च कर रहे हैं तो आपको डालना होगा सर्च में ओनली प्रैक्टिस सेट चैनल। तो जब आप ओनली प्रैक्टिस सेट चैनल खोलेंगे दोस्तों, वहाँ पर आपको जो आइकन बना हुआ है वहाँ पर ONS लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वही चैनल दोस्तों ओनली प्रैक्टिस, सॉरी OPS लिखा मिल जाएगा, ओनली प्रैक्टिस सेट। तो आई होप दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।